हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SES बिलकपुर में। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा शब्द विचार। बच्चों, इस टॉपिक की एक वीडियो मैं पहले ही आपको अपलोड कर चुकी हूँ। एक पार्ट आप पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको आपको क्या है देखना है। पहले वाली जो वीडियो थी बच्चों, उसमें मैंने बताया था कि शब्द क्या होते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर होता है, फिर बताया था कि शब्द के भेद कितने होते हैं, किसके आधार पर, रचना के आधार पर कितने होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये मैंने उस वीडियो में बता दिया है, पहले आप उसको देखिए फिर इसको। फिर आता है बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण करेंगे हम, फिर देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं शब्द के, कितने होते हैं, कितने होते हैं, पांच। कितने? पांच। पहले कौन सा है? उत्पत्ति मीन्स कहां से जो है ये शब्द है पैदा हो रहे हैं, कहां से उनकी उत्पत्ति हुई है, या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कि उनका स्रोत क्या है शब्दों का, कहां से वो आए हैं। तो देखते हैं पहला कौन सा है, तत्सम शब्द। पहला कौन सा है? तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द बच्चों कौन से होते हैं? तत्सम का पहले हम देख लेते हैं कि इसका तोड़ के देखेंगे तत्सम को तो क्या बनेगा। तत्सम हमने इसको तोड़ा शब्द को, क्या बना? तत् प्लस सम। इसी से हम इसको समझते हैं कि तत्सम शब्द होते क्या है। तत् क्या होता है? तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का क्या अर्थ होता है? समान। सम मीन्स समान। तत् सम, तत् उसके, सम समान, उसके समान। उसके मीन्स तत् यहाँ पर संस्कृत भाषा के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए? संस्कृत भाषा के लिए, कि संस्कृत भाषा के समान। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं बच्चों? जो शब्द संस्कृत भाषा के भाषा में से जो के त्यों हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द। यानी कि जो के त्यों शब्दों को लेना क्या कहलाएगा? तत्सम शब्द। कौन से हैं? जैसे ग्रह। ग्रह क्या है? एक तत्सम शब्द है, यानी कि ग्रह है जो संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है और ऐसे का ऐसा इसको हिंदी भाषा में दे दिया गया है, तो ये क्या हो जाता है? तत्सम शब्द। अग्नि क्या है? अग्नि संस्कृत भाषा में ऐसे लिखा जाता है और इसी को हिंदी भाषा में भी ऐसे का ऐसा जो का त्यों ले लिया गया है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो अग्नि क्या हो जाएगा हमारा? तत्सम शब्द। ऐसे ही सर्प क्या होता है? सांप। तो सर्प है जो तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, जो का त्यों ले लिया गया है। ऐसे ही पत्थर क्या है? एक तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द बच्चों आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या आता है कि तद्भव। तद्भव शब्द उसी के तरह से हम देखते हैं कि तद्भव को पहले तोड़ के देखते हैं कि क्या बनता है। तद प्लस भव। क्या होता है? तद प्लस भव। तद उससे, भव मीन्स उत्पन्न, तद उससे भव उत्पन्न। तद का यहाँ पे क्या मीनिंग दे, किसके किसके बारे में बता रहा है? तद, तत् जैसे संस्कृत भाषा के बारे में बता रहा था ना, ऐसे ही तद क्या है? संस्कृत भाषा के बारे में बता रहा है कि संस्कृत भाषा से भव उत्पन्न, संस्कृत भाषा से उत्पन्न। तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं बच्चों? जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से जो का क्यों न लेकर उनमें कुछ परिवर्तन करके ले लिया गया है वो क्या होते हैं? तद्भव शब्द। क्या होते हैं? तद्भव शब्द, यानी कि संस्कृत से विकसित। तत्सम शब्द तो क्या था कि वो शब्द जो संस्कृत भाषा के भाषा में से हिंदी भाषा में जो के त्यों ले लिए गए हैं। लेकिन तद्भव शब्द क्या हो गया कि शब्द तो वो है संस्कृत भाषा के, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया है, परिवर्तन करके फिर उनको क्या है हिंदी भाषा में ले लिया गया है। जैसे घर। घर क्या है? एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है। जैसे गृह है। गृह तो क्या था? तत्सम शब्द था, लेकिन गृह में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके क्या कर दिया? घर बन गया। तो घर क्या होगा? तद्भव शब्द। ऐसे ही आग। आग क्या है? एक तद्भव शब्द है। अग्नि तत्सम शब्द था, लेकिन आग क्या है परिवर्तन करके तद्भव शब्द बन गया और हिंदी भाषा में ले लिया गया। ऐसे ही सांप, पत्ता, ये सब क्या है? तद्भव शब्द। ऐसे ही आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे बुक्स में। फिर आता है देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो देश में ही उत्पन्न कर लिए गए परिस्थिति के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार, कि ऐसे शब्द जो लोगों के द्वारा अपनी
कंडीशन के हिसाब से या अपनी परिस्थिति के हिसाब से, भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से अपने आप ही बना लिए गए हों, वो क्या होते हैं? देशज शब्द। देशज मीन्स देश, मीन्स देश में, अज मीन्स उत्पन्न, देशज देश में उत्पन्न। देश में उत्पन्न शब्द कौन से हो गए? देशज शब्द, यानी कि लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार जिन शब्दों को अपने आप बना लिया है और अपने आप ही प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? देशज शब्द। जैसे चूहा, चूहा क्या एक देशज शब्द है। झोला, अपनी सुविधा के अनुसार लोगों ने बना लिया है, झोला है, क्या है? देशज शब्द। ऐसे ही झाड़ू, देशज शब्द। फिर आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से होते हैं बच्चों? जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द। जैसे कार, कार क्या है? इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन हिंदी में ये प्रयोग कर दिया गया है। ऐसे ही वकील, वकील क्या है? अरबी भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी में दे दिया गया है। चाय क्या है? चीनी शब्द है, लेकिन हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया वैसे का वैसा। फिर क्या है? संकर शब्द कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे शब्द जो दो भाषाओं में से, दो भाषाओं के दो शब्द मिलकर जो शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द। यानी कि एक भाषा ये होगी, एक भाषा ये होगी, इन दोनों के दोनों शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनेगा उसे क्या कहेंगे? संकर शब्द। यानी कि दो शब्दों को, दो भाषाओं के शब्दों को मिलाने वाले शब्दों क्या कहते हैं? संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी है, रेल क्या है यहाँ पे? इंग्लिश का वर्ड है, और गाड़ी क्या है? हिंदी का वर्ड है। इन दोनों को मिलाने से जो नया वर्ड बना वो क्या बना? रेल गाड़ी। ऐसे ही घड़ी, साज। घड़ी क्या है? हिंदी का वर्ड है, हिंदी का शब्द है, और साज क्या है? साज क्या है? अरबी का शब्द है। तो इन दोनों को, दोनों भाषाओं के शब्दों को मिलाने से नया शब्द क्या बना? घड़ी साज। क्या बना? घड़ी साज। फिर आता है बच्चों की प्रयोग के आधार पर कितने शब्द कितने होते हैं? कितने होते हैं? दो। कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण क्या है? परिवर्तन आ जाता है उनके रूप में, तो वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। यानी कि विकार क्या होता है? परिवर्तन। लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण क्या है? उनमें परिवर्तन आ जाएगा, वो क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द। ये कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो ये जो चारों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है, इन पर अगर लिंग का प्रयोग करेंगे, वचन का प्रयोग करेंगे, कारक का प्रयोग करेंगे, तो इनमें क्या है? परिवर्तन आ जाएगा। जैसे संज्ञा है, जैसे देख लेते हैं, लड़का खेल रहा है, तो ये क्या है? लड़का यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो इसमें परिवर्तन कैसे आएगा? जैसे लिंग हम इसका चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? लड़की। क्या बन जाएगा? लड़की। तो ये विकार आ गया ना इस शब्द में, परिवर्तन आ गया ना लड़के, लड़का में, लड़की बन गया लिंग के कारण। ऐसे ही वचन करेंगे तो क्या बन जाएगा? लड़के। तो परिवर्तन आ गया ना। ऐसे ही काल का क्या करेंगे? लड़के ने खेला, लड़के ने खेला, कोई खेल खेला। तो यहाँ पर काल के कारण, कारक के कारण भी क्या है? परिवर्तन आ गया है। ऐसे ही सर्वनाम में परिवर्तन आ जाता है, विशेषण में भी परिवर्तन आता है, और क्रिया में भी। तो ये सारे वर्ड जो होते हैं इनमें क्या है? परिवर्तन आ जाता है, लिंग, वचन, कारक, काल के कारण। तो जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाए किसी चीज से, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। फिर आता है अविकारी शब्द। अविकारी मीन्स इसका उल्टा, यानी कि विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन आ जाए और अविकारी शब्द जिनमें परिवर्तन ना आए, लिंग, वचन, कारक, काल के कारण जिनमें परिवर्तन ना आए, उन शब्दों को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। कौन से? क्रिया विशेषण, चारों होते ही हैं, एक क्रिया विशेषण, एक संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और कौन सा है? विस्मयादि बोधक। इनमें क्या है? कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जैसे मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या है? एक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या होता है बच्चों? जो विशेष क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, यहाँ पे क्या है? क्रिया है। और धीरे धीरे क्या है? ये क्रिया की है विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। इस पर क्या है? लिंग, वचन, किसी भी लिंग का हो, वचन का हो, कारक का, कोई भी परिवर्तन इस पर नहीं आएगा, धीरे धीरे ऐसे का ऐसा रहेगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? अविकारी शब्द। फिर आता है बच्चों अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं? कितने होते हैं? दो। कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं बच्चों? जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। क्या है? जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है, वो क्या होते हैं? सार्थक शब्द।
और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले वो क्या होते हैं? निरर्थक शब्द। जैसे पानी, वाणी। पानी यहाँ पे क्या है? सार्थक शब्द है। और वाणी क्या है? निरर्थक शब्द है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये तो ये क्या है? निरर्थक शब्द। फिर आता है बच्चों सार्थक शब्दों के भेद। सार्थक शब्द कितने होते हैं बच्चों? सार्थक शब्द है वो चार प्रकार के होते हैं। कितने? चार प्रकार के। पहला कौन सा है? एकार्थी शब्द। क्या है? एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं बच्चों? जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकले वो क्या होते हैं? एकार्थी शब्द। यानी कि एक अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द। जैसे रोटी, कुत्ता, लोहा, इनका क्या है? एक ही अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो गए? एकार्थी शब्द। फिर आता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं बच्चों? जो शब्द तो एक पाएगा लेकिन उसके अर्थ क्या है? अनेक निकलेंगे, उसे क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द। अनेक मीन्स जिसके अनेक, अर्थ मीन्स अर्थ निकले। तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले वो क्या हो जाएंगे? हमारे अनेकार्थी शब्द। जैसे उत्तर है, उत्तर एक शब्द है, इसके अर्थ कितने निकलेंगे? उत्तर एक दिशा विशेष का नाम होता है ना, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम। तो उत्तर क्या होगा? एक दिशा विशेष हो जाएगा अर्थ इसका, और एक क्या होगा? जवाब। जैसे हम करते हैं ना प्रश्न उत्तर, तो ये क्या हो जाएगा? एक जवाब इसका अर्थ हो जाएगा। तो एक शब्द एक है लेकिन अर्थ इसके कितने निकले? एक से अधिक, तो ये हो जाएंगे अनेकार्थी शब्द। फिर क्या आता है? कर। कर क्या है? एक शब्द है लेकिन इसके अर्थ कितने निकल रहे हैं? देखो हाथ, कर क्या होता है? हाथ को कहते हैं, और क्या है? टैक्स को कहते हैं। जैसे टैक्स वसूलती है ना सरकार, उसे क्या कहते हैं? कर। क्या कहते हैं? कर। तो सूंड, सूंड जो हाथी का सूंड होता है ना, उसको भी क्या कहते हैं? कर। किरण, जो सूर्य की किरणें होते हैं उसे क्या कहते हैं? कर। तो शब्द एक हो गया लेकिन अर्थ कितने निकले इसके? एक से अधिक, तो इन शब्दों को क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द। फिर आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? जो शब्द तो अनेक होते हैं लेकिन उनके अर्थ है जो एक निकलता है। क्या है? शब्द अनेक पाएंगे लेकिन अर्थ उनका एक होगा, वो क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची शब्द, यानी कि एक समान अर्थों वाले शब्द। जैसे जल, पानी, इनका एक ही अर्थ है लेकिन शब्द क्या है? दो है। शब्द क्या है? दो है लेकिन अर्थ एक है, तो ये क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची शब्द। फिर आता है पूरक शब्द। पूरक शब्द कौन से होते हैं बच्चों? आज तक आप जिनको विलोम शब्द के रूप में पढ़ते आए हैं, जिनको आप विलोम शब्द के रूप में पढ़ते आए हैं, वो विलोम शब्द नहीं होते बल्कि पूरक शब्द होते हैं। क्या होते हैं? पूरक शब्द, कॉम्प्लीमेंट्री शब्द। पूरक शब्द क्या होते हैं बच्चों? जिन शब्दों के बिना दूसरे शब्द का क्या है? पूर्ति नहीं होती। या पूरक क्या होते हैं? जिन शब्दों एक के बिना जिन दूसरे शब्द का क्या है? काम नहीं चलता है, या एक शब्द दूसरे शब्द के द्वारा ही पूरा होता है, उसे क्या कहेंगे? पूरक शब्द। जैसे सत्य है हमारा, इसका क्या है? असत्य क्या है? इन दोनों का आपस में पूरक शब्द है। ये सत्य का असत्य के बिना काम नहीं चलेगा और असत्य का सत्य के बिना काम नहीं चलेगा, यानी कि दोनों ही पूरक शब्द हो जाएंगे। नया पुराना, इनको आपने अभी तक विलोम शब्द पढ़ा लेकिन ये क्या है? पूरक शब्द है। तो बच्चों आपने आज पढ़ा कि शब्द विचार के बारे में हमने पढ़ा कि रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, शब्द के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। मैंने इसको सारा जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करवाया आपको। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।